हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है लव हाशिरा मित्सुरी कनरोजी। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि मित्सुरी भी लड़ाई के मैदान में आ जाती है और अपनी कमाल की तेजी से ड्रैगन को कागज की तरह काट कर तांजिरो को बचा लेती है। इसके बाद वो सीधा जोहेकुटेन पर हमला करने जाती है। वो डीमन के पास जाकर उसे डांट लगाती है और कहती है कि नेजुको और गेन्या को छोड़ दे, जोहेकुटेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मित्सुरी की बेइज्जती कर देता है ये बोलकर कि भाड़ में जाओ कुतिया, इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो मुझे ऑर्डर दे सकता है। मित्सुरी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है कि डीमन ने उसे इस तरह की गाली दी। वो सोचती है कि ये दिखने में तो उसकी उम्र का ही लगता है, बल्कि उसके छोटे भाई जैसा। फिर भी इसमें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पर फिर उसे याद आता है कि डीमन्स की उम्र उनके शरीर से पता नहीं लगती। जोहेकुटेन फिर मित्सुरी पर अटैक करता है, जिस अटैक का नाम था क्रेजी क्राई ऑफ थंडर डेथ। लेकिन मित्सुरी लव ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म कैट लव शावर यूज करके इस अटैक से आराम से बच जाती है, जो देखकर तांजिरो भी हैरान हो जाता है। और डीमन भी सोचता है कि इस छोटी लड़की ने मेरे अटैक को रोक कैसे दिया। तांजिरो फिर सोचता है कि मित्सुरी की तलवार कितनी पतली और अजीब है, इसे जिसने भी बनाया है वो कमाल का है, और मित्सुरी उससे ज्यादा कमाल की है जो इतनी फ्लेक्सिबल तलवार को यूज कर सकती है। इसके बाद एक ड्रैगन फिर से मित्सुरी पर अटैक कर देता है और मित्सुरी लव ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके उसे काट देती है और दूसरे ड्रैगन के अटैक को भी लव ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म से रोक देती है। जोहेकुटेन भी मित्सुरी की तेजी देख कर चौंक जाता है। इसके बाद वो खुद ब्लड डीमन आर्ट काउंटलेस स्ट्राइकिंग ट्रीज यूज करता है और अपने ड्रम्स को कई बार बजाता है। इससे जमीन में से कई सारे लकड़ी के ड्रैगन्स एक साथ बाहर आ जाते हैं और इस वाइड रेंज अटैक को देखकर मित्सुरी भी थोड़ा हिचक जाती है। लेकिन फिर वो लव ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करती है और उन सभी ड्रैगन्स को एक ही बार में काट देती है। फिर वो जल्दी से जोहेकुटेन की गर्दन के पास अपनी तलवार ले आती है। तांजिरो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो डीमन की मेन बॉडी नहीं है, बल्कि असली डीमन तो लकड़ी के गोले में छुपा हुआ है और इसकी गर्दन काटने से कुछ नहीं होगा। मित्सुरी ये सुन लेती है, लेकिन तभी जोहेकुटेन अपने मुंह से कंप्रेस्ड साउंड वेव का बड़ा सा धमाका करता है। यह अटैक सीधा मित्सुरी पर लगता है। ये देखकर नेजुको अपना हाथ काट कर ड्रैगन से छूट जाती है। जोहेकुटेन को यकीन नहीं होता कि इतने भारी अटैक के बाद भी मित्सुरी का शरीर सही सलामत है और वो जिंदा है। जोहेकुटेन समझ जाता है कि मित्सुरी जितनी नाजुक दिखती है उतनी है नहीं, बल्कि उसका शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए वो मित्सुरी को खाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इससे उसकी भी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन पहले वो उसकी गर्दन को उखाड़ देगा। अब डीमन मित्सुरी को पंच करने जाता है और मित्सुरी को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी दिखने लगती है। हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जब एक लड़का उसे शादी के लिए देखने आया था। वो कहता है कि मित्सुरी से तो कोई भालू, बैल या जंगली सुअर ही शादी करेगा और वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी ऐसे ही सतरंगी बालों के साथ पैदा हों। तो मित्सुरी उसे और उनकी होने वाली शादी के बारे में भूल जाए। उस समय मित्सुरी 17 साल की थी। इसके बाद हम तब का समय देखते हैं जब मित्सुरी बहुत छोटी थी। मित्सुरी का शरीर नॉर्मल इंसानों से काफी अलग था। उसके हाथ भले ही दिखने में पतले थे, लेकिन उसकी मसल डेंसिटी आम इंसान से 8 गुना ज्यादा थी। जब वो सिर्फ 14 महीनों की थी, तभी उसने करीब 15 किलो का पत्थर उठा लिया था। मित्सुरी को इतना स्ट्रांग देख उसके पेरेंट्स को खुशी मिलती है। अब इस कारण से मित्सुरी को भूख भी ज्यादा लगती थी और वो खाना भी बहुत खाती थी। वो अकेले ही 3 सूमो रेसलर्स के बराबर खाना खा जाया करती थी, बल्कि ये लोग सूमो रेसलर को पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज भी करते हैं, जिसे मित्सुरी चुटकी में हरा देती है। पर धीरे धीरे मित्सुरी को रियलाइज होता है कि वो बाकी लड़कियों से कितनी अलग है और उसे चिंता होती है कि कोई उससे शादी करेगा भी या नहीं, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो चाहे तो जिंदगी भर उनके साथ रह सकती है। अब जिस दिन मित्सुरी की शादी टूट गई थी, उस दिन मित्सुरी अपने बालों को डाई करके उन्हें काला कर लेती है। वो अपने खाने पर भी कंट्रोल करती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो बाकी लड़कियों की तरह ही नाजुक है। कुछ
कुछ दिनों बाद एक दूसरा लड़का मित्सुरी को देखने आता है, पर मित्सुरी को यह अच्छा नहीं लगता कि वो कोई और होने का दिखावा कर रही है। वो सोचती है कि क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ये झूठा दिखावा किए बिना रह सके, जहां कोई उसे सच में प्यार करे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि तांजिरो, नेजुको और गेन्या तीनों ने मिलकर मित्सुरी को बचा लिया था और मित्सुरी होश में आ जाती है। तांजिरो कहता है कि हमें मित्सुरी को बचाना होगा, वही हमारी उम्मीद की किरण है, जब तक वो जिंदा है हम जीत सकते हैं। ये सब सुन मित्सुरी को बहुत अच्छा लगता है। जोहेकुटेन अब इन चारों पर बड़ा सा थंडर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी उन सब को प्रोटेक्ट कर लेती है। वो रोते हुए उन सब का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो उनमें से किसी को भी मरने नहीं देगी, चाहे उसके सामने अपर रैंक हो या कोई और। वो अब पूरी तरह से सीरियस हो गई है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मित्सुरी ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किया था। मास्टर मित्सुरी से कहते हैं कि गॉड ने उसे इतना खास बनाया है और उसे अपनी इस ताकत पर गर्व होना चाहिए। जो लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं वो बस उसकी शक्ति से जलते हैं। मित्सुरी रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। वो अपने माता पिता को भी थैंक यू बोलती है उसे इतना ताकतवर शरीर देने के लिए। वो उन सारे डीमन स्लेयर्स को भी थैंक्स बोलती है जिन्होंने उसे कॉर्प्स में शामिल किया। हाशिरा बनने के बाद मित्सुरी डीमन को मारकर लोगों की जान बचाने लगी। अब एक दिन सरपेंट हाशिरा ओबानाई मित्सुरी को लंबे मोजे गिफ्ट में देता है। मित्सुरी ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है और कहती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी, जिस पर ओबेनाई कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये फट गए तो वो उसे नए ला देगा। और तब से मित्सुरी वही मोजे पहनती है। अब मित्सुरी सोचती है कि एक लड़की का इतना ताकतवर होना सही है। उसे डर लगता है कि वो इंसान है भी या नहीं। इसी डर की वजह से वो अपनी ताकत को दबाए रखती है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाना है। अब मित्सुरी खड़े होकर कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। डीमन उस पे अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी उन सब अटैक को काट देती है। वो कहती है कि वो इन ड्रैगन्स को संभाल लेगी, तब तक बाकी लोग मेन बॉडी को खोजें। और तीनों इस काम में लग जाते हैं। मित्सुरी तेजी से आगे बढ़ती रहती है और सोचती है कि उसे अपनी हार्ट रेट को बढ़ाना होगा ताकि उसकी रगों में और तेज खून दौड़े, जिससे वो और तेज और ताकतवर हो जाएगी। जोहेकुटेन मित्सुरी पर लगातार अटैक्स करते ही जा रहा था। वो देख लेता है कि तांजिरो और बाकी लोग मेन बॉडी को खोज रहे हैं, तो वो एक ड्रैगन उनकी तरफ भेजता है, लेकिन मित्सुरी उसे बीच में से काट देती है। गेन्या तांजिरो से पूछता है कि वो लकड़ी का गोला कहाँ है जिसमें वो छोटू डीमन था। तांजिरो अब अपनी सूंघने की शक्ति से उस लकड़ी के गोले का पता लगा लेता है और तांजिरो उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसकी गर्दन काट सके। इधर जोहेकुटेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि मित्सुरी अब पहले से भी तेज मूव कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा कर कैसे रही है। तभी उसे मित्सुरी के सीने पर एक बर्थमार्क दिखाई देता है। वो सोचता है कि क्या ये पहले से ही था, ये तो एक डीमन क्रेस्ट की तरह लग रहा है। खैर, उसके सारे अटैक्स मित्सुरी के सामने फेल हो जा रहे थे और इसकी वजह से वो अपने ड्रैगन्स को तांजिरो के पास नहीं भेज पा रहा था। जोहेकुटेन सोचता है कि कभी तो मित्सुरी थकेगी, क्योंकि इंसानों की एक लिमिट होती है। वहीं मित्सुरी उसे धमकी देती है कि वो उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इधर इन तीनों को वो लकड़ी का गोला मिल जाता है जिसके अंदर असली हंटेनगू छुपा हुआ था, और ये जंगल में आगे बढ़ते ही जा रहा था। गेन्या आगे बढ़कर उसके गोले पर तलवार मारता है, जिससे वो गोला पलटकर इन पे ही अटैक कर देता है और तीनों के हाथ पकड़कर हवा में लटका देता है, जिससे ये तलवार भी नहीं चला पा रहे थे। तो गेन्या को अब एक ही तरीका सूझता है और वो अपने दांत उस लकड़ी में गड़ाकर उसे खाने लगता है। तांजिरो उससे चिंता में पूछता है कि इससे उसके पेट में गड़बड़ तो नहीं होगी। दोस्तों, गेन्या कोई ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता, पर उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि अगर वो किसी डीमन को खाता है तो कुछ समय के लिए उसके अंदर उस डीमन की शक्तियाँ आ जाती हैं। अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग डीमन को खा ले, जैसे उसने आजेत्सु के मुंह को खाया था, तो उसकी रीजनरेशन पावर और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए गेन्या अब तक इतना घायल होने के बाद भी जिंदा है। खैर, गेन्या अब अपने दांतों से उस लकड़ी को बीच में से काट देता है और तांजिरो उस गोले के साथ नीचे जाकर गिरता है। तांजिरो तुरंत उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन उस गोले की टहनियां चाबुक की तरह तांजिरो को लगती हैं। फिर नेजुको अपना ब्लड गिराकर उस गोले में आग लगा देती है और अब तांजिरो को मौका मिल गया था। वो हिनोकामी कागुरा का फ्लेम डांस यूज करता है और उससे वो उस गोले को काट कर खोल देता है,
गेन्या और नेजुको उस गोले को वापस बंद होने से रोकते हैं। फिर तांजिरो अंदर छुपे हंटेनगु को मारने ही वाला था, पर वो देखते हैं कि अंदर तो कोई है ही नहीं। छोटा हंटेनगु चुपके से यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तांजिरो उसे देख लेता है और उस पे चिल्लाता है, भागने की कोशिश मत करो, तुमने बहुत सारे बुरे पाप किए हैं जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब हंटेनगु भागते भागते रुक जाता है। उसे किसी ने कहा था कि तुम्हारे किए के सिर्फ तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं, समझे, दो मुंह के झूठे। हंटेनगु फिर कहता है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से उसने एक भी झूठ नहीं बोला। वो एक अच्छे दिल का कमजोर इंसान था, वो इतना रहम दिल था, पर किसी को उस पर दया नहीं आती थी। ये कहते हुए हंटेनगु रोने लगता है कि वो झूठा नहीं है, और वो फिर से भागना शुरू कर देता है। तांजिरो और नेजुको उसके पीछे दौड़ते हैं, पर गेन्या पास ही के एक बड़े से पेड़ को पकड़कर उखाड़ देता है और उसे सीधा हंटेनगु के ऊपर फेंक कर मारता है, पर हंटेनगु फिर भी भागते ही रहता है। इसके बाद नेजुको उस पर छलांग मारती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मित्सुरी के फैंस के लिए तो आज का ये एपिसोड बिल्कुल एक लव लेटर था। हमें इसमें भर भर के एक्शन भी देखने को मिला है, और मुझे तो ये एपिसोड और मित्सुरी की बैक स्टोरी दोनों काफी अच्छी लगी है। दोस्तों, अब डीमन स्लेयर के सीजन 3 में सिर्फ एक एपिसोड ही बाकी है जो कि पूरे एक घंटे का महा एपिसोड होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।